और इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां पर्यटन मंडल की 43 अनियमित कर्मचारी की छटनी होगी। विरोध में कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। आज उद्योग भवन का कर्मचारी घेराव करेगा, जिसमें कर्मचारी संघ ने आरोप सरकार पर लगाया है, सरकार के निर्देश का अधिकारी नहीं कर रहे हैं पालन। सीएम बघेल ने अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, 3 माह से नहीं भेजा गया है डिटेल, जिस पर पर्यटन मंडल के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश की अवहेलना हो रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ हेमंत जुड़े हुए हैं। हेमंत, इस पर क्या और जानकारी मिल रही है? हाँ देखिए मुश्रा, प्रदेश भर के जो अनियमित कर्मचारी हैं वो लगातार इस बात के लिए आंदोलित थे कि उन्हें नियमित किया जाए। जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार यहाँ पर थी तो लगभग 50 दिनों तक लगातार यहाँ पर प्रदर्शन अनियमित कर्मचारियों ने किया था। उसके बाद कांग्रेस ने ऐलान किया था कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करने का फैसला लिया जाएगा। बीच में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात हुई थी अनियमित कर्मचारियों की, तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि जो उनकी मांगे हैं वो निश्चित तौर पर पूरी होगी। और अभी वर्तमान की बात की जाए तो जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की जो सुगबुगाहट है वो साफ नजर आ रही है। इसी सिलसिले को लेकर करीब 3 महीने पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम विभागों के जो अनियमित कर्मचारी हैं उनका डाटा मंगाया था, तो ये निकलकर कई विभागों से सामने आ रहा है कि कई विभाग अनियमित कर्मचारियों का जो आंकड़ा है वो सीधे मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इस तरीके का जो नजारा है वो उद्योग विभाग में भी देखने को मिला है। 46 जो कर्मचारी हैं अनियमित कर्मचारी, उनको वहां पर छटनी की जा रही है। इसी का विरोध करने के लिए आज तमाम जो अनियमित कर्मचारी है वो उद्योग भवन का घेराव करने जा रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश की जो अवहेलना है वो अधिकारी करते नजर आ रहे हैं। तमाम कर्मचारियों ने आरोप भी लगाया है कि अधिकारी इसको लेकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तक जो डाटा पहुंचाना था वो डाटा नहीं पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में और एक निर्देश पत्र के माध्यम से भी ये दिया था कि तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो अनियमित कर्मचारियों का जो डाटा है वो राज्य सरकार को दे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। लेकिन कई विभागों से, न सिर्फ उद्योग विभाग बल्कि कई ऐसे विभाग हैं, पंचायत हैं, श्रम है, ऐसे विभागों से भी जो डाटा है अनियमित कर्मचारियों का वो नहीं आ रहा है। हालांकि अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक यह बात पहुंच गई है, वो इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। और अब लखनऊ से बड़ी